हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पलाजो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए देखिए, हमने ये 2 मीटर का कपड़ा ले लिया है और कम कपड़े में भी आप घेर वाला प्लाजो बना सकते हैं। सो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीका। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताने वाली हूँ और आप अलग अलग नाप के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर सकते हैं। आपका जो भी नाप है आप केवल इस फॉर्मूले पे लगाइए और इसकी आप कटिंग कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले कपड़े को हम उल्टा करके बिछाएंगे। ये कपड़े का सीधा वाला साइड है और ये कपड़ा हमारा केवल और केवल 2 मीटर है गाइस। तो इसको सबसे पहले देखिए पूरा खोल लीजिए आप। तो हम बिल्कुल बीचों बीच में से फोल्ड करेंगे। अभी हमने केवल इसको बीच में से फोल्ड किया है। अब इसको हम दोबारा से देखें इस तरीके से फोल्ड करेंगे बिल्कुल सेंटर में से, और ये कपड़ा हमारा हो जाएगा 4 फोल्ड में। तो ये वाले जो किनारी वाले साइड्स हैं आपको बिल्कुल मिला के रखने हैं। बिल्कुल अच्छे से कपड़े को बिछा लीजिए, कहीं भी कोई भी सिकड़न ना रहे और नीचे वाले परतों पे भी कहीं पे भी कोई सिलवटे ना रहे। इसको बिल्कुल अच्छे से आप हाथों से ही बिल्कुल साफ कर लीजिए और चाहे तो आप इस पे एक बार प्रेस भी कर सकते हैं, बट ये हमारा कॉटन का कपड़ा है तो ये आसानी से हमारा कटिंग हो जाएगा। अगर आप कोई सिल्क का कपड़ा या फिर चंदेरी कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से पहले प्रेस कर लीजिए, उसके बाद में आप इसकी कटिंग कीजिए। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास कपड़े की ये 1, 2, 3 और ये 4 लेयर्स हो गई हैं। तो आपका भी इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। अब हम अपने निशान लगाएंगे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ऊपर से आपका जो भी आड़ा कपड़ा है उसको आप एक सीधा निशान लगाकर कटिंग करके अलग कर दीजिए। अब यहां से 1.5 इंच का और निशान लगाएंगे, ये हमारी बेल्ट के लिए निशान हो जाएगा, यानी कि यहां से हम अपना नेफा मोड़ेंगे। तो यहां पर आप 1.5 इंच पर निशान लगाकर एक और सीधा निशान लगा लीजिए। तो ये निशान हमने लगा लिया है अपनी बेल्ट के लिए। अब हमें अपने प्लाजो की लंबाई के निशान लगाने हैं। देखिए इस साइड से आपको कोई भी कटिंग नहीं करनी, ये कपड़ा आपका फोल्ड रहेगा और अपोजिट साइड जो है ये आपकी कन्नी वाला साइड, ये आपका खुला वाला साइड रहेगा। तो यहां से आपकी कोई भी सिलाई नहीं आएगी, सिलाई केवल आपकी इस वाली साइड से आएगी। तो अब हमें लगानी है अपनी लंबाई के निशान। लंबाई जो हमारे प्लाजो की है वो है यहाँ पर 36 इंच। तो यहाँ पर पूरा पूरा आपको 36 इंच ही रखना है। लंबाई का नाप देखिए हमने यहाँ पर लगा लिया है और नीचे से करीब हमारा 1/2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है जो कि हमारा सिलाई के मार्जिन में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से आपका अगर 1 इंच का कपड़ा बढ़ता है तो आप 1 इंच का निशान लगाइए, बट यहाँ पर मेरे पास कपड़ा कम है तो मैं यहाँ पर 1/2 इंच का ही देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा रख रही हूँ। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें अपने हिप के अकॉर्डिंग निशान लगाना है, यानी कि यहाँ पर हमें अपने बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो हिप जो है हमारा वो है यहाँ पर 36 इंच और ये हमारा प्लाजो है तो प्लाजो में हमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है। 36 में जब हम 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 इंच और यहाँ पर आपको 40 इंच का 1/4 करना है। तो 40 इंच का जब 1/4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 इंच। यहाँ पर हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आपके प्लाजो का 40 इंच साइज है, हिप का अगर 40 इंच साइज है तो उसमें भी आपको 4 इंच की ही लूजिंग ऐड करनी है तो हमारे पास आ जाएगा 44 इंच और 44 का भी आपको अगेन 1/4 करना होगा, यानी कि उसका 1/4 निकालना होगा तो हमारे पास आएगा 12 इंच। इसी तरीके से आपका जो भी नाप है उसमें आप 4 इंच की लूजिंग ऐड करके यहां पर निशान लगा लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर हम कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन का एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने 4 इंच की लूजिंग ऐड कर ली है। तो यहाँ पर हमारा 36 इंच नाप था, उसमें हमने 4 इंच की लूजिंग ऐड करी, हमारा आ गया 40 इंच। 40 का आपको 1/4 करना है क्योंकि ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है, 4 तहे हैं हमारे पास इस कपड़े की, इसलिए हमें हमारा जो नाप है उसका हम 1/4 करते हैं। तो हमारे पास आ गया है यहाँ पर 40 का 1/4 10 इंच। तो 10 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। अब इस यहां से हमें क्रॉच के लिए यानी कि आसन के लिए निशान लगाना है। अब आपका यहाँ पर जो भी नाप आया होगा, यहाँ पर हमारे पास आया है 10 इंच, उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है।
तो जब 10 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 इंच। आपका जो भी नाप है उसमें आप 2 इंच प्लस कर दीजिए, और अगर बहुत ज्यादा हैवी साइज है इसको आपको 15 इंच से डाउन नहीं ले जाना है, वरना ये बहुत ज्यादा खराब लगेगा, और 12 से आपको कभी इसे कम नहीं करना है, वरना ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 12 इंच का निशान लगा लिया, और इधर भी एक 12 इंच का निशान लगाएंगे, इस निशान को सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमारा इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपने आसन के लिए 2 इंच एक्सटेंड करना है, 2 या 2.5 इंच आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर हम 2 इंच बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद में जैसे आप आर्म होल के लिए गुलाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही गुलाई कर देनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है, और कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं करना। अब देखिए नीचे आपको, क्योंकि हमारा घेर वाला प्लाजो है तो हम पूरा नीचे तक यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे, या तो आप कोई स्केल भी रख सकते हैं। ये देखें इस तरीके से हम यहाँ पर पूरे में बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारा फुल घेर वाला प्लाजो हो गया। इस तरीके से आप कम कपड़े में भी फुल घेर वाला प्लाजो बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कितना आ रहा है, इसको आप नाप लीजिए। इस तरीके से हमारा फुल घेर वाला प्लाजो हो गया। अब आप चाहें तो इसमें आप अपना स्ट्रेट प्लाजो भी बना सकते हैं, और मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। देखिए इस नाप को आपको एक बार नाप लेना है, ये हमारा आ रहा है टोटल 12 इंच की चौड़ाई आ रही है इसकी, तो नीचे आपको रख लेना है करीब 14 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा कर लीजिए, क्योंकि कभी भी आप स्ट्रेट नहीं बनाएंगे इसको, हमेशा आपको थोड़ा बहुत यहाँ से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना होगा। तो इस निशान को आप बिल्कुल सीधा करिए। अब ये देखें इस तरीके से आप अपना स्ट्रेट प्लाजो भी बना सकते हैं। अगर आपको घेर कम चाहिए तो आप स्ट्रेट प्लाजो भी बना सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पर घेर वाला प्लाजो बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इस वाले निशान को ध्यान में रखते हुए कटिंग करेंगे, और बाकी निशान जैसे हमने लगा रखे थे बिल्कुल वैसे ही हमें कटिंग कर लेनी है। अब हम करेंगे अपनी नीचे वाली कटिंग। ये पल्ले हमारे देखें आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसकी हमें कटिंग करनी है। और इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर हमें हल्की सी गोलाई करनी होती है। तो मैंने पहले भी आपके साथ प्लाजो की कटिंग शेयर की हुई है, तो काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि हम यहाँ पर गोलाई क्यों करते हैं, तो वो चीज मैं आपको एक बार समझा देना चाहती हूँ। देखिए इस तरीके से ये हमारा सीधा निशान है, तो यहां से हम इसको नापेंगे, ये हमारा आ रहा है करीब 23.5 इंच, और यहां से हम इसको नापेंगे तो ये हमारा आ रहा है करीब 24.5 इंच। तो यहां पर हमें निशान लगाना है बिल्कुल सीधा 23.5 इंच का। ये देखें ये 23.5 इंच का हमने निशान लगा लिया। अब इसको हमें हल्की सी गुलाई करनी होती है। काफी सारे लोग पूछते हैं कि हमारा जो प्लाजो है वो अंदर की तरफ खिंचता है, तो वो वाली प्रॉब्लम हम कैसे ठीक करें या फिर कैसे सेव करें। तो अगर आप यहाँ पर से बिल्कुल सीधा रख देंगे तो वो एक साइड से गिरता रहता है और एक साइड से बिल्कुल ठीक आता है हमारा, तो यही वाली प्रॉब्लम है। अगर आप इसको इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखते हुए कटिंग करेंगे तो आपका यहाँ पर गलती हो सकती है, बट आपको हल्की सी यहाँ पर गुलाई करनी होती है तभी आपका बिल्कुल ठीक बैठेगा ये आपका प्लाजो। और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई नहीं होगी, केवल हमारी ये वाली सिलाई होगी, और इस साइड से तो हमारा ये बंद ही है, तो आपको यहाँ से कुछ भी यहाँ से कटिंग करने की और सिलाई करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम देखें पूरे इस तरीके से ले जाते हुए हल्की सी गुलाई देंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारे प्लाजो की कटिंग। अब यहाँ पर हमें लगानी है मियानी, तो मियानी के लिए यही जो हमारा बाकी का बचा हुआ कपड़ा था, ये देखिए ये कुछ ऐसे कट के हमारा निकला है, तो इसको आप ऐसे उठा लीजिए, और इसी पार्ट में से ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है, इसी में से हमें अपने मियानी की कटिंग करनी है। और इसकी कटिंग बहुत ही ज्यादा इजी होती है गाइज। ये देखें एक साइड आपका स्ट्रेट है और एक साइड आपका ये इस तरीके से ओरेब है, तो ऐसे ही आपका कपड़ा होना चाहिए, और ये हमने डबल में लिया है। तो कपड़े को आपको इस तरीके से बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है इस तरह। यहां पर हम एक निशान लगाएंगे। अब इसकी लंबाई आपको कितनी रखनी है, आप इसकी लंबाई 8 इंच या 9 इंच रख सकते हैं, या फिर इससे ज्यादा अगर आपको रखनी है तो रख सकते हैं, बट 8 इंच से कम नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगाकर एक सीधा निशान लगाएंगे। 9 इंच लंबाई रख रही हूँ मैं, यानी कि मैं जो कि हमारी तैयार आ जाएगी 8 इंच। तो जहां पर देखिए हमने निशान लगाया है वहीं पर हमें कटिंग करनी है। ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर वाली साइड की तरफ आपको हल्की सी गुलाई देनी है,
ये हमारा फोल्ड वाला साइड है, फोल्ड वाली साइड की तरफ आपको ज्यादा रखना है और इस वाली साइड की तरफ हल्का सा आपको डाउन करना होता है। बहुत ज्यादा इजी होती है इसकी कटिंग, इसमें कोई बिना नापे भी बहुत लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये कटिंग हो गई हमारी म्यानी की, ये देखें ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ये कटिंग हो गई हमारी म्यानी के साथ प्लाजो की और बहुत ही इजी कटिंग है इसकी। अगर कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आइए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। प्लाजो हम यहाँ पर लास्टिक वाला बना रहे हैं तो इसलिए मैं आपको पहले लास्टिक का नाप भी बता देती हूँ। देखिए लास्टिक को हमेशा आपको वेस्ट के अकॉर्डिंग डालना होता है। वेस्ट है हमारे पास 31 इंच, तो हमेशा आपको जब भी लास्टिक डालनी है, ऑल ओवर हम लास्टिक डाल रहे हैं, ऑल ओवर लास्टिक डालने के लिए आपका जो भी वेस्ट साइज है उसमें से आपको माइनस कर देना है 3 इंच, तो हमारे पास आ जाएगा 28 इंच। आपके जो भी लास्टिक का साइज है उसमें से आप 3 हटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑल ओवर लास्टिक डालनी है, यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की लास्टिक ले ली है जो कि हमारे कपड़े से भी थोड़ा कंट्रास्ट मैच हो रही है। अब तो यहाँ पर हम 28 इंच की लंबाई रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे जो कि बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी आपके, मतलब ना ढीला रहेगा ना टाइट रहेगा। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, ये पूरा हमें इस तरीके से गुलाई में डालनी है तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे आ जाएगी। सो अब देखिए इसकी हमें स्टिचिंग करनी है, तो इन पार्ट्स को आप पहले उठा लीजिए, इसमें से आपको एक ही पार्ट अलग करना है और इसी पार्ट में हमें ये देखिए दोनों साइड की तरफ म्यानी को जोड़ना है। ये हमारे पास दो पार्ट है म्यानी के, ये हमारा कम वाला साइड है और ये हमारा ज्यादा वाला साइड है। तो हमेशा जो ज्यादा वाला साइड होता है वो नीचे की तरफ रहता है। इस तरीके से इसको रखेंगे इस साइड की तरफ, ये हमारा ओरेप वाला कपड़ा है तो ओरेप वाला कपड़ा इस साइड की तरफ आना चाहिए, यानी कि ये इस साइड की तरफ जाएगा। तो ये हमारा ज्यादा वाला है, इसको आपको नीचे की तरफ रखना है, कम वाला पार्ट ऊपर वाली साइड की तरफ रखना है और इस साइड की तरफ भी आपको ऐसे रखते हुए इसकी सिलाई करनी है दोनों साइड की तरफ। ये देखिए हमने दोनों साइड्स पर ये म्यानी को लगा लिया है और ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये देखिए एक साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब इसको दोनों साइड्स से इस तरीके से आप सीधा कर लीजिए। अब हमें अपना दूसरा वाला पल्ला लेना है और इसके ऊपर हमें इस तरीके से रखना है, उल्टा वाला साइड ऊपर की तरफ रहेगा, दोनों सीधे साइड्स आपके अंदर की तरफ रहेंगे और यहाँ पर हमें अब देखिए कैसे सिलाई लगानी है। इस तरीके से दोनों पार्ट्स को पहले तो आप मिला लीजिए, इस वाले पार्ट को आपको बिल्कुल मिलाते हुए इस तरीके से रखना है और ऊपर से अब हमें ऊपर से बिल्कुल सिलाई लगानी है और उसके बाद में नीचे ये हमारा म्यानी वाला पार्ट आ जाएगा, इसको इस तरीके से रखेंगे और पूरा ऐसे आपको सिलाई लगानी है। तो ये कुछ ऐसे आपका आ जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर सिलाई लगाकर दिखाती हूँ कि आपको लगानी कैसे है सिलाई। कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका ये वाला पार्ट। अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड की तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। ये आपका दोनों साइड्स पर देखिए हमने आसन को स्टिच कर लिया है इस तरीके से, ये म्यानी लगाकर, और बिल्कुल फिनिशिंग ये हमारा स्टिच हो गया है। अब इसको आप इस तरीके से खोल लीजिए। तो ये प्लाजो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा और इसके दो पैर इस तरीके से देखें अलग हो जाएंगे। अब यहां पर हमें सबसे पहले इसके जो नीचे वाले ये पार्ट्स हैं इसको फोल्ड करना है, जो भी धागे वगैरह निकल रहे हैं इसको पतला पतला फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद में इस वाले पार्ट को इस तरीके से मिलाएंगे और पूरा यहाँ पर से हमें इसको पूरे को स्टिच कर लेना है, ये आसन वाला साइड भी पूरा नीचे तक। इसका मतलब कि ये हमारी आखिरी सिलाई होगी, बिल्कुल हमारा जो प्लाजो है वो बंद हो जाएगा। तो ये दोनों सिलाई हमें लगा लेनी है। प्लाजो को देखिए हमने बीच सेंटर से भी स्टिच कर दिया है और अब हमारा ये जो प्लाजो है वो पूरा नीचे से बिल्कुल स्टिच्ड हो गया है। इसको हमने यहाँ से फोल्ड करके देखें, यहाँ पर सिलाई भी लगा दी है। तो ये हमारा भी पूरा नीचे से इस तरीके से रेडी हो गया है। ये हमारा म्यानी वाला पार्ट है जो कि बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। अब केवल हमें ऊपर वाली साइड की तरफ बेल्ट बनानी है और इसमें हमें डालनी है लास्टिक। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमने निशान लगाया हुआ है इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर आपको पहले आधा इंच फोल्ड करना है, उसके बाद में आपको जहां पर निशान है वहां पर इस तरीके से आपको फोल्ड करना है
और ऑल ओवर आपको ऐसे ही पूरा फोल्ड कर लेना है। बाकी यहाँ पर आकर आपको करीब 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ देना है और यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है, उसमें से हम अपने इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। नेफा देखिए यहाँ पर हमने मोड़ लिया है और ये अंदर से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और यहाँ पर हमने इतना पार्ट इसको ओपन रखा है जहाँ से हम अपने इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो ये हमने इलास्टिक ले ली है और इलास्टिक के एक साइड की तरफ मैंने ये पिन लगा लिया है। अब इससे हम इसको अंदर की तरफ डालेंगे और दूसरी साइड से पूरा निकाल लेंगे, जैसे आप कमरबंद डालते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए दूसरी साइड की तरफ से हमने ये इलास्टिक निकाल ली है और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब दोनों सिरों को आपको पहले इस तरीके से पकड़ना है और इलास्टिक पर पहले आपको सिलाई लगानी है, उसके बाद में हम इस वाले पार्ट को खींचेंगे जिससे कि इलास्टिक हमारी अंदर की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर 2-3 सिलाइयाँ लगाकर इसको हम पक्का कर लेंगे। ये हमने पक्का कर लिया है, अब इसको आपको पूरी इलास्टिक को अंदर की तरफ करना है। ये देखिए पूरी इलास्टिक हमारी इसके अंदर चली गई है और बिल्कुल अच्छे से गैदर्स भी बन रहे हैं। अब ये पार्ट जो हमारा खुला था इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, और ध्यान रखें कि आप जो सिलाई लगाएंगे वो आपकी इलास्टिक पर ना आए। अब सारे गैदर्स को आपको इस तरीके से देखिए इलास्टिक खींचनी है और हर तरफ ये जो हमारी चुन्नटे बन रही हैं इनको हर तरफ कर लेना है। तो ये इलास्टिक हमारी देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब इसके बिल्कुल सेंटर पे हमें सिलाई लगानी है इलास्टिक के। तो यहां पर आपको सिलाई कैसे लगानी होती है, इसको आप पहले इस तरीके से खोल लीजिए और यहाँ पर हम पहले तो एक पक्की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में आपको इलास्टिक को इस तरीके से खींचते हुए फिर सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारा जो प्लाजो है वो पूरा बनकर रेडी हो गया है और ये कुछ इस तरीके से आएगा। आप देख सकते हैं इलास्टिक हमारी बिल्कुल अच्छे से लग गई है और गैदर्स भी देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से आ गए हैं, एंड मियानी भी हमारी बिल्कुल अच्छे से लग गई है। और ये देखिए इसको अब मैं आपको एक बार फोल्ड करके दिखा दूं, इस साइड से भी ये बिल्कुल हमारा बराबर आएगा। तो ये पार्ट्स हमारे बिल्कुल सारे के सारे बिल्कुल बराबर आ गए हैं और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ, और केवल 10 मिनट लगते हैं ये प्लाजो बनाने में। तो बहुत ही जल्दी आप इस प्लाजो को बनाकर रेडी कर लेंगे। इस साइड की तरफ ये कोई भी कट नहीं है, बिल्कुल ये आपका घेर यहाँ से बच जाएगा, केवल आपका जो कट आएगा यहाँ पर आएगा तो आपकी सिलाइयां भी कम होंगी। सो आई होप कि आप लोग को ये वाला मेथड पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करना ना भूलें एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज।